हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो ईश्वर सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ लाए। हे माँ लक्ष्मी सभी के जीवन को, जैसे दिवाली पर सभी के घर में उजाला रहता है, ऐसे सभी के जीवन में हो। तो चलिए चलते हैं, अपना करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। और मेरा कितने बज रहे हैं? 7 7 बज रहे हैं। बैक कैमरा दिखाया, थोड़ा उल्टा दिखेगा। और मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, बाकी का काम करते हैं। जितना हो सकेगा मैं उतना सूट करूँगी, क्योंकि इस दिन थोड़ा बिजी ज़्यादा रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। और मेरी सफाई भी हो चुकी है, आपको दिखा दूँ बैक कैमरे से। दिखाने को तो इसमें कुछ नहीं होता है, फिर भी जब व्लॉगिंग कर रही हूँ तो सारा शेयर ही करूँ। और ये आप लोगों के लिए भी शेयर करना नहीं होता है, ये मेरी भी मेमोरी सेव करना होता है। मुझे अच्छा लगता है बाद में जब इन सबको देखती हूँ कि मेरी पिछले साल की दिवाली कैसी थी, मेरी करवा चौथ कैसी थी। वो अच्छे लगते हैं पल। कहते हैं सारी चीज़ें लौट, पैसे से सब चीज़ खरीद सकते हो, पर पुराने पल नहीं। जो खुशी वाले पल हैं मैं उन्हीं को सूट करती हूँ। मुझे लगता है ये पल सूट करना चाहिए, जो हमेशा यादगार रहे हैं, मैं उन्हीं को करती हूँ। तो साफ सफाई हो चुकी है। और आपने देख लिया मेरी साफ सफाई हो चुकी है, बाहर की धुलना और अंदर की भी। मेरा झाड़ू पोंछा सारा हो चुका है। अब इसके बाद मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक मंदिर डेकोरेशन। ओहो, लाइट जला देती हूँ क्योंकि थोड़ा रोशनी रहे। ऐसे तो सजा दिए हैं जितना हो सकता है, जो मेरे पास था। बाकी का इसमें अभी लरी लटकाने के लिए रह गई है, जो फूल माला सी है। कहाँ है ये वाली जुमा? तो उसके बाद रंगोली बनाऊंगी, रंगोली के बाद एक थाली और डेकोरेट करूंगी। और जो मेन गेट है उसकी देहरी पूजन करूंगी, मैं हर साल करती हूँ। और हो सके तो आप लोग भी ये सब क्या करो, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माँ के पैर बनाना बड़ा अच्छा लगता है। और अपने अंदर अच्छा ये सारी चीज़ें लगती हैं। हाँ, फेस्टिवल है, आप कुछ अलग करोगे ना पूजा पाठ का, तो अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने ये चावल हैं जो मैंने एक दिन पहले शाम को ही ये तैयार किए थे थाली सजाने के लिए। और ये चावल हैं, ये मैंने हल्दी से कलर किए हैं, और ये खाने वाले कलर होते हैं ना, खाने वाला रंग होता है, जो हम जर्दा चावल ये सब बनाते हैं ये उसी के हैं। करने से क्या होता है, जैसे हम घर पे करते हैं, जैसे मैंने ये किया है, ये चावल के हैं कलर, तो मैं थाली सजाऊंगी। मार्केट से लेके आती तो मुझे नहीं पता उसमें केमिकल मिले तो होंगे पता नहीं, पर ये मैंने सब घर पर किया है तो मुझे विश्वास है इसमें कुछ नहीं है। ये एक मैंने हल्दी से कर लिए हैं, देखो आपको दिखाया भी है इस तरह से। और तो मैंने सोचा आज थोड़ा एक थाली सजाती हूँ। थाली में क्या होगा कि उसमें भी आटे आटे और चावल से, हाँ दो चीज़ों से बनेगी, आटे और चावल से। वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि कैसे बनाऊँगी। और मैं ये पहली बार कर रही हूँ, मैंने थाली कभी सजाई नहीं है। मैं वैसे ऐसे रंगोली और शाम को देहरी पूजन, मतलब जो लक्ष्मी जी के पैर बना के जो पूजन करते हैं, वो ही किया है मैंने। और सोचा आज इस बार ये करती हूँ, पता नहीं कैसी बनेगी। और मैं थाली सजाऊंगी उसके बाद, यानी इस्तेमाल करने के बाद। तो इन चावलों जो आटा है, आप चिड़िया को, गाय को, इनको खिला सकते हो। अगर इनको नहीं तो भूमि विसर्जित कर सकते हो, जल विसर्जित कर सकते हो, जैसा आपका मन करे। तो ये चावल हैं और आटा है, इनको अगर आप चिड़िया इनको खिलाओगे तो अच्छा भी रहेगा, क्योंकि ये नुकसान नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा होममेड ही ये सब करूँ। तो बहुत सारी प्लानिंग मैंने शाम को ही कर ली थी। अब करते हैं अपने बाणी को ब्राम, क्योंकि बाकी जो काम है वो हमारे लेट भी हो जाएंगे और वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो पहले मैं नहा के आती हूँ, नहाने के बाद मंदिर और थाली और रंगोली ये सब बना के आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद है दहेरी पूजन, जो दरवाजे के बाहर मैं लक्ष्मी माँ के पैर बना के पूजन करती हूँ, वो मैं हर साल करती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद रहेगी दिवाली पूजन, और उसके बाद मैं थोड़ा सा हम अपने घर पे भी जाएंगे शाम को, तो मैं वो भी शेयर करूंगी अपने वहाँ की दिवाली। मिलती हूँ। तो मैं यहाँ आके आ चुकी हूँ, और अब मैं करती हूँ थोड़ा लाइट जला दूँ मंदिर की। अब इसके बाद आराम से शांति के साथ थोड़ा मंदिर में, मैंने बोल ही दिया है पहले, ये जो जल है ये आपने देखा होगा मेरी अहोई अष्टमी की वीडियो में, कि मैंने ये कलश उठाया नहीं था। और ये मैंने ये भी बोला था, अगर आपने देखा होगा, कि ये मैं बड़ी दिवाली के दिन उठाऊंगी। और इसके ऊपर दो रखे थे, एक मैंने शाम को जल चढ़ा दिया था और दूसरा ये रखा रहने दिया था। अब मैं इसको, आज है बड़ी दिवाली तो आज मैं इसे उठाऊंगी, उठा के बाल्टी में, एक बाल्टी में यानी पानी भर के इसको जल को मिक्स करूंगी, जिससे बच्चे नहा लें। और ये जो चावल है इनके नीचे और चीज़ उठाएं भगवान की, तो पहले गलती मांगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, टूट फूट अपने हाथों से कोई गलती हो, उससे पहले आप क्षमा मांगे। और ये कुछ
इसके अष्टदल बनाया था मैंने आसन के लिए। तो ये कुछ चावल हैं और ये कटोरी में मैंने भर लूंगी। भरने के बाद अब इन चावलों को आप दान में कर सकते दे सकते हो। दान में दोगे तो आप देख सकते हो इतने का कोई कुछ नहीं बना सकता है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं। तो हमें यहाँ क्या करना है, अपनी थोड़ी सी बुद्धि यानी विवेक से काम करना है। इसमें थोड़े से और राइस डाल के, चावल डाल के आप इन्हें किसी को दान में दे सकते हो या आप चिड़ियों को भी इतनी डाल सकते हो। तो इस तरह से तो मैं यहाँ बच्चों के लिए उसमें डाल दूंगी। अब उसके बाद ये सब थोड़ी सी तैयारी करते हैं, फिर मैं बनाऊंगी रंगोली। और मेरा टाइम ऐसे भाग रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कहाँ जा रहा है, पता नहीं इतना स्पीड। जब है ना कुछ भी हो फेस्टिवल, पता नहीं कहाँ से कितनी भी जल्दी करो, कितनी भी जल्दी उठ के काम करो कि जल्दी सारे काम कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब पता है मुझे क्या लग रहा है, पता नहीं मेरी रंगोली बनेगी कि नहीं। अब मैं सोच रही हूँ मैं ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी बनाऊंगी, क्योंकि जो मुझे लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है मेरा। और सोचा कुछ था कि बड़ी सी बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, नहीं हो पाएगा। मुझे काम ज़्यादा दिख रहा है, समय कम लग रहा है, तो इस वजह से जितना हो सकता है मैं उतना करूँगी। तो इसके बाद मैं करती हूँ डरी, मैं इसका वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगी क्योंकि मैं इतनी जल्दी में हूँ। बस ऐसे ही थोड़ा सा लगा दूंगी। लगाने के बाद हाँ आपको रंगोली थोड़ी सी और छोटी बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और गेस्ट भी एक दो आ चुके हैं जो मिलने जुलने वाले, तो मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा मेरा। तो जितना हो मैं उतना अच्छे से शांति से करूँगी, पूजा भी बाकी काम भी। तो मिलती हूँ मैं डायरेक्ट, अब रंगोली का ही दिखाऊंगी। और हाँ अभी मुझे ने जो दिया है मुझे वो भी पानी में डालने हैं, यहाँ लाइट नहीं जल रही है इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा है। अब थोड़ा सही होगा। अभी देखो मैं कुछ तैयार नहीं, बस नहा के आ गई हूँ, नेल पॉलिश कोई नहीं। तो मैंने ये ले लिया भगोना और इसमें मैं करूँगी दीपक, ये मेरे दीपक। मेरा टाइम पता नहीं कहाँ जा रहा है अभी मैं। और मुझे लगता है ये वीडियो मेरी लॉन्ग ज़्यादा रहेगी, इस वजह से मैंने सोचा है इस वाले पार्ट को मैं अलग कर दूँ और जो पूजा के जो शाम को जो पूजा होगी उसका मैं अलग रखूँ। तो पूजा वाला अलग और जो सुबह का जो दिनचर्या का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो उसका पार्ट अलग है। तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी और आप देख सकते हो मेरे यहाँ की जो पूजा है कैसी है क्या है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, मैम बाय बाय।